हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टाइम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो 25 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी मैं उनको कवर करूंगी इसमें। और इसके बाद रात तक मैं इसका एक क्विज भी डालूंगी जिसमें मैं 25 अप्रैल की जो कुछ न्यूज़ छूट गई होंगी उनको भी कवर करूंगी। साथ में इन न्यूज़ों का एक टेस्ट भी लूंगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हम अगर अपने पहले न्यूज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारा पहला न्यूज़ कौन सा है, तो देख लेते हैं। हमारा पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अमेरिका ने रूसी सैन्य सामान निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। मतलब अमेरिका ने रूसी से सैन्य सामान निर्यात पर अब प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। अमेरिका ने हाल में ही रूसी सैन्य साजो सामान के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले से एशिया के आसपास के अन्य अमेरिकी जो सहयोगी देश हैं उनकी भी हथियारों की खरीद पर रोक लग सकती है। ठीक है, इसके मुताबिक अगर कोई भी देश रूस के साथ रक्षा और खुफिया क्षेत्र में काम करेगा तो उसे भी प्रतिबंध झेलने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भारत के लिए काफ़ी झटके वाली चीज़ है। तो देख लेते हैं कैसे, क्योंकि रूस के सैन्य निर्यात पर अमेरिकी की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस कारण से भारत के साथ होने वाला करीब 39,39,861 करोड़ रुपए का जो डिफेंस डील हुई है हमारी भारत और रूस की, उसको झटका लग सकता है। भारत और अमेरिका के जिस तरह के रिश्ते मजबूत हुए हैं उसके कारण उस कारण भारतीय रक्षा क्षेत्र को इस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, हाल में ही अमेरिका द्वारा हुए रूस के सहयोगी देश सीरिया में किए गए हवाई हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी इम्पोर्टेंट। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, हमारी अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो 9 एजेंसियों को 22 विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु आशय पत्र प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी विरासत स्थलों को कितनी एजेंसियों को आशय पत्र प्रदान किए गए, तो आपको पता होना चाहिए 22 विरासत स्थल हैं और 9 एजेंसियां हैं। ठीक है, इस विरासत एक विरासत अपनी परियोजना अपनी धरोहर अपनी पहचान के तहत 24 अप्रैल 2018 को 22 विरासत स्थलों की देखरेख के लिए 9 एजेंसियों को आशय पत्र प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री है हमारे केजे अल्फांसो ने यह आशय पत्र प्रदान किए। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है हमारे फिलहाल, केजे अल्फांसो। ठीक है, और इस परियोजना का लक्ष्य जो है वो समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखना तथा पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। परियोजना की वेबसाइट के अनुसार अब तक 195 पंजीकरण हुए हैं। प्रमुख विरासत स्थलों में कौन कौन से हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, हम्पी, सूर्य मंदिर, अजंता गुफाएं, चार मीनार, काजीरंगा नेशनल पार्क आदि जो है उनको पंजीकृत कराया जा चुका है अभी इस आशय पत्र के लिए। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है कि मैत्री संबंध में जुड़ा नया आयाम। ठीक है, 27 अप्रैल को 3 देशों के बीच एक समझौता हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशियन डेवलपमेंट समझौते की मध्यस्थता करेगा। बांग्लादेश देश से भारत के मैत्री संबंधों में 23 अप्रैल 2018 को एक नया आयाम जुड़ा। इस दिन एक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस बांग्लादेश भारत और नेपाल के बीच चलेगी। बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी की श्यामल ट्रेवल्स की अत्याधुनिक बस को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो बस चलाई गई है वो किन देशों के बीच चल रही है, तो बांग्लादेश भारत और नेपाल, और कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ हमारी कौन सी इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें भारत, फिनलैंड, इटली और रूस और कंबोडिया के, आपको इन 5 देशों का नाम याद रखना है कौन कौन से, भारत, फिनलैंड, इटली, रूस और कंबोडिया। ठीक है, यहाँ की महिला उद्यमियों ने नई दिल्ली में 22 से 24 अप्रैल तक आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय, ये भी याद रखना आपको, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सम्मेलन था। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। इस आपको इस सम्मेलन की थीम याद रखनी है, क्या थी सम्मेलन की थीम, महिला उद्यमी सतत जीविका से सफल कारोबार। ठीक है, ये क्या था इनका विषय था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन में कितने देश की महिला उद्यमियों ने भाग लिया है, तो 37 देश। ठीक है,
ये 37 देख देख लीजिएगा कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, केन्या, कोरिया, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये जो महिलाएं हैं वो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा, लॉजिस्टिक एवं डिजिटल, मनोरंजन एवं कचरा प्रबंधन, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट कचरा प्रबंधन है क्योंकि लोग बाग सब पढ़े रहेंगे, अगर ऑप्शन में कचरा प्रबंधन दे दिया जाएगा तो कई लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कचरा प्रबंधन भी इसमें एक विषय रहा है, ठीक है। तो इसके साथ अगली ये न्यूज़ यहाँ कंप्लीट होती है, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है हमारी। अगली न्यूज़ है हमारी GSTN बनेगी सरकारी कंपनी। GSTN क्या है? GST नेटवर्क, ठीक है। तो इसको सरकारी कंपनी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए GST काउंसिल ने 1 मई को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी। तो हम GSTN के बारे में पहले जाने थे, GSTN है क्या? तो GSTN नई कंपनी कानून धारा 8 के तहत क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर पंजीकृत है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, इसमें जो 39% हिस्सेदारी है, ठीक है, 39% हिस्सेदारी किसकी है, केंद्र तथा राज्य की। और जबकि 51% किसकी हिस्सेदारी है, 5 गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की, ठीक है। वो 5 गैर वित्तीय संस्थान कौन से हैं? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, HDFC बैंक, ICICI बैंक, NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। ये 5 गैर सरकारी वित्तीय संस्थान हैं, ठीक है। तो इसमें आपको GST में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, एक तो 49% जो शेयर है वो किसके हैं, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिशत हिस्सेदारी रहती है इसमें, और 51% इन 5 कंपनियों की, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इन जो 49% हिस्सेदारी है इसे बढ़ाकर वो 51% करना चाहती है, या इससे अधिक भी कर सकती है, या इसे 100% सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसे कवर किया। तो चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली हमारी न्यूज है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, और इनको कौन से अवार्ड सम्मानित किया जाना है, ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। देख लेते हैं इस न्यूज को विस्तार में। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इनको ऑस्ट्रेलिया में 27 अप्रैल को प्रतिष्ठित ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगी तब इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना को बांग्लादेश में महिलाओं की शिक्षा और उद्यमिता के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। और 2018 में ये ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन में शामिल होने के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बांग्लादेश की महिला कौन है, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आमंत्रित किया गया है, ठीक है, और इनको ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। देख लेते हैं ये 2018 का है, अब हम 2017 का देख लेते हैं। 2017 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला था, जापान के प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो आबे, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया था। इसके बाद और इस सम्मान को पाने वाले कौन कौन है, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है बान के मून, यहाँ आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम भी याद रखिएगा कौन है, बान के मून, ठीक है। और यूनेस्को के पूर्व महासचिव कौन थी, इराना वुकाबो, उनको भी प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो इन इन सारी न्यूज़ों के साथ आज की न्यूज़ यहाँ कंप्लीट होती है, और बाकी जो न्यूज़ रह जाएंगी मैं आपको शाम तक एक क्विज दूंगी उसमें कवर कर लूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।